नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। यूपी के पीलीभीत में एक रिश्वतखोर दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मोबाइल से बनाई गई इस वीडियो क्लिप में रिश्वतखोर दरोगा पैसे लेकर एक्सीडेंट हुई गाड़ी को छोड़ने की बात कर रहा है। कोतवाली बीसलपुर के खनक्का पुलिस चौकी में तैनात दरोगा हरिशंकर यादव के वायरल वीडियो के सामने आने के बाद एसपी ने उन्हें तत्काल लाइन हाजिर कर मामले की जांच सीओ पूरनपुर को सौंपी है। वायरल वीडियो में रिश्वत लेते दरोगा पर आरोप है कि सड़क हादसे में पकड़ी गई गाड़ी को छोड़ने के लिए महिला से कई दिनों से डिमांड कर रहा था, जिसके बाद रुपए देते हुए महिला ने दरोगा हरिशंकर यादव का स्टिंग कर लिया और वीडियो को वायरल कर दिया। मामले के सामने आने के बाद एसपी ने सीओ पूरनपुर को मामले की जांच सौंपी है, साथ ही आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। थाना बीसलपुर के खनंका चौकी इंचार्ज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला से पैसे के लेन देन में वार्ता की जा रही है। इस आरोप के संबंध में चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इनके विरुद्ध क्षेत्राधिकारी पूरनपुर द्वारा जाँच की जा रही है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।